नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Z5 5G वर्सेस Xiaomi Redmi Note 11T 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Z5 5G में 6.48 इंच जबकि Note 11T 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है जो कि Z5 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो Z5 5G में 3.02 इंच जबकि Note 11T 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है जो कि Z5 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो Z5 5G में 0.33 इंच जबकि Note 11T 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है जो कि Z5 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Z5 5G में 193 ग्राम जबकि Note 11T 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Z5 5G में 6.67 इंचेस जबकि Note 11T 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Z5 5G में 85.14% जबकि Note 11T 5G में 84.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Z5 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 11T 5G में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Z5 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 11T 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Z5 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 11T 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Z5 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Note 11T 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Z5 5G में Adreno 642L जबकि Note 11T 5G में Mali-G 57MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Z5 5G में Qualcomm Snapdragon 778G और Note 11T 5G में MediaTek Dimensity 810MT 6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Z5 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Note 11T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो Z5 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 11T 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Z5 5G में नहीं है जबकि Note 11T 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Z5 5G में 2 कलर्स जबकि Note 11T 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Z5 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,990 रुपीज, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 26,990 रुपीज में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 11T 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीज में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो इकू Z5 5G में 3 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11T 5G की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Z5 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 11T 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 7 Pro है, दूसरा OnePlus Nord है, तीसरा Xiaomi Poco X3 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V20 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।